हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक और ये मेरे पास में है जुपिटर BS6। आज मेरे पास दो दोस्तों के फ़ोन आए हैं, दो मैकेनिकों के स्कूटर की इंजन के अंदर 40-50 की स्पीड पर कट कट की आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ आती है जुपिटर के अंदर और मैं बताता हूँ कहाँ से आने वाली आवाज़ है, किस जगह से आती है। और ये कोई कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये कस्टमर की कंप्लेंट रहती है और कस्टमर की ही कमी रहती है कि आवाज़ कस्टमर की ही वजह से आती है। आती क्यों है कि किक का इस्तेमाल सेल्फ की गाड़ियों में कस्टमर बहुत कम करता है, तो इस वजह से आवाज़ बन जाती है। आवाज़ बनती कहाँ से है वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। इस किक की ही आवाज़ होती है 40-50 की स्पीड पर आके। अब मैं इसको चैम्बर को खोल के आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या करना है उसमें। बोल्ट मैंने खोले हुए हैं इसके, ये चैम्बर निकालता हूँ मैं और फिर दिखाता हूँ आपको कि आपको फिर करना क्या है। आपको ये पेंच खोलने हैं, इसके चार पेंच खोलने हैं इसके। और मेरे ख्याल से ये चीज़ आप हर सर्विस पे कीजिए। हर सर्विस पे इसको क्लीन करने के बाद आप ग्रीसिंग करके गरारियों में बांधिएगा। गरारियों के अंदर ग्रीस सूख जाता है और इसी वजह से यह आवाज़ करने लगती है 40-50 की स्पीड पर आकर। तो आगे से आप ध्यान रखें दोस्तों, अगर इस तरह की आवाज़ आए, कस्टमर की कंप्लेन हो आपके पास में कि भाई गाड़ी को चला के देखो, कस्टमर की अगर कंप्लेन रहती है कि गाड़ी चला के देखो 40-50 की स्पीड पर गाड़ी आवाज़ करती है, कट कट की आवाज़ करती है, तो आपको चैम्बर खोलने के बाद ये कवर खोलना है इसका। और कवर खोलने के बाद जो गरारियाँ हैं हमारी, इनको क्लीन करना है, साफ़ करना है। और यहाँ पर अंदर भी इसमें ग्रीस लगाना है आपको और इस गरारी में भी पूरा ग्रीस लगाना है। तो ग्रीस यहाँ पे सूख जाता है और ये हिलती है ज़्यादा स्पीड पे, ये हिलती है, कट कट की आवाज़ इसलिए करती है ज़्यादा लोड पड़ने पे, यानी वाइब्रेशन करती है। तो इसमें आपको अच्छे से ग्रीसिंग कर लेना है। कस्टमर कोई भी हो, किक का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और इसी वजह से इसमें आवाज़ आने लगती है। तो ध्यान रहे दोस्तों, यही काम आपको करना है अगर कस्टमर की कंप्लेन इस चीज़ की हो कि गाड़ी के अंदर आवाज़ आ रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल वीडियो BS4, BS3, BS6 गाड़ियों की हम रोज़ाना लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।